के साथ साथ गौ तस्कर भी हाईटेक होते चले जा रहे हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे दौसा में गौ तस्कर नेताओं के पोस्टर की आड़ में पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन एक गुप्त सूचना ने उनका खेल बिगाड़ दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। इको गाड़ी में तस्करी का बड़ा खेल, नेताओं के पोस्टर्स को बनाया हथियार, लेकिन एक फोन कॉल ने खोला राज। इको गाड़ी से तस्करी का खेल खेलने वाले गौ तस्कर कितने शातिर हैं, उसका अंदाजा इस गाड़ी को देखकर लगाया जा सकता है। गाड़ी के पिछले वाले हिस्से में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का पोस्टर है, जबकि अंदर की तरफ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का पोस्टर नजर आ रहा है। पोस्टर की आड़ में कैसे तस्करी की जा रही थी, ये हैरान करने वाला है। दौसा में गौ तस्करी का एक नायाब तरीका सामने आया है। छोटी गाड़ी में गायों को ठूस ठूस कर भरा जाता है और उन्हें गौ तस्करी के लिए ले जाया जाता है। ये दौसा की कोतवाली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है, RJ5 यानी भरतपुर नंबर की गाड़ी है। हालांकि नंबर प्लेट सही है या नहीं है ये जांच का विषय है, लेकिन जो गाड़ी के अंदर की जो स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि जो गायों को बांधने के लिए, उसके हाथ पैरों को बांधने के लिए जो रस्सा पड़ा हुआ है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके इसमें पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये पोस्टर जिसमें जवाहर सिंह बेडम जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनका ये पोस्टर है। साथ ही हम पीछे से तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये गाड़ी दौसा में आई थी। ऐसे में गौ तस्करों का मानना है कि दौसा जैसे किरोड़ी लाल मीणा का यहाँ इलाका है, ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का भी पोस्टर लगाया है ताकि पुलिस और जो अन्य जो एजेंसियां हैं वो इन गौ तस्करों की जांच नहीं करे, इन्हें रोके नहीं। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए इस तरह नेताओं के पोस्टर का सहारा ये गौ तस्कर लेते हैं। गाड़ी भी ये छोटी लेते हैं ताकि पुलिस को ये विश्वास नहीं हो कि इस गाड़ी में गाय हो सकती है। पुलिस की माने तो भरतपुर नंबर की इको कार को दौसा शहर में सोमनाथ सर्किल के पास देखा गया था, जिसके अंदर ठूस ठूस कर तीन गाय भरी हुई थी। लोगों ने छोटी कार में जैसे ही गायों को देखा, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तस्करों का पीछा किया, लेकिन वो पकड़ में आते उससे पहले ही वो कार को कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़कर फरार हो गए। रात को थाने पे इत्तला मिली थी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया था कि सोमनाथ चौराहे से गायों को भरकर एक इको गाड़ी कलेक्ट्रेट की तरफ जा रही है। उस सूचना पर हमारे जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया, तो जो गाड़ी चालक था वो गाड़ी को कलेक्ट्रेट के वहाँ छोड़कर और फरार हो गया। उसमें जब देखा गया तो तीन गायें जिनके पैर और मुंह बंधे हुए थे उसमें पड़ी हुई थी। पुलिस की माने तो ये तस्कर प्रभावशाली नेताओं के फोटो इलाके के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस इन्हें कहीं न रोके। गाड़ी भरतपुर नंबर की तो जवाहर सिंह बेढम के फोटो का इस्तेमाल किया गया, जबकि दौसा में आना था इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की माने तो इसके पीछे इनका मकसद पुलिस की आँख में धूल झोंक कर आराम से निकल जाना था। हालांकि गौ तस्कर फरार हो चुके हैं और इसके अंदर तीन गायें मिली हैं, तीनों गायों को मुक्त करा दिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब गौ तस्करों की तलाश की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा।